हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं अशोक के ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज कोई वीडियो में कोई ब्लॉग नहीं है और आज बात करने वाला है यूट्यूब की अर्निंग के बारे में कि यूट्यूब कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर देता है, कितने पैसे देता है। तो आपको आगे आगे मैं पूरा सबूत के साथ में बताऊँगा, पूरा स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा और हमारी यूट्यूब की जर्नी आज तक की कैसी रही वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। और मेरे यूट्यूब पे अभी तक बीच में इतना गैप कैसे हो गया था, मैं बीच में 6 महीने में 3 महीने में एक एक वीडियो डाल रहा था तो वो गैप क्यों आया मैं आपको सब बताऊंगा। तो वीडियो पे आगे बने रहे और मेरे यूट्यूब का मोनेटाइजेशन कब ऑन हुआ था तो मैं आपको पूरे वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगा, वो भी पूरे सबूत के साथ में। और मेरे गूगल के पिन कब आए थे और कैसे आए थे तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यूज़ की कि यूट्यूब कितने व्यूज़ पर कितने डॉलर देता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब 1000 व्यूज़ पर $1 देता है एवरेज, और वो भी आते हैं ऐड के थ्रू पैसे, ना कि कोई यूट्यूब डायरेक्ट इनकम देता है। जो कंपनियां ऐड लगाती है उनके पैसे मिलते हैं अपने यूट्यूब को, और यूट्यूब वही हमारे को एडसेंस के थ्रू हमारे को पैसा देता है। तो दोस्तों आज बात करने वाले अपने खुद के यूट्यूब चैनल के बारे में जो हमने स्टार्ट करा था 16 अगस्त 2017 को, और अभी हो गए हैं 2022 अगस्त वापस आने वाला। एवरेज मान के चले तो 6 साल हो गए हैं मेरे चैनल को और अभी तक कोई यूट्यूब अर्निंग नहीं हुई है, या हुई है मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। मैंने 16 अगस्त 2017 को जब चैनल बनाया था, जब फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी मैंने मिशन ग्राउंड में, जहाँ 15 अगस्त था। तो दोस्तों उसके बाद में मैंने कंसिस्टेंसी तोड़ दी बिल्कुल, 6 महीने में 3 महीने में कभी वीडियो बना रहा हूँ, कभी लगातार 2-4 वीडियो बना रहा हूँ, 5 वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद में कोई वीडियो नहीं आ रही है, बीच में रुक गया। और उसके बाद में अभी जस्ट 1.5 साल पहले जब मैंने क्लिनिक ओपन कर दिया था तो क्लिनिक की वजह से अभी मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाया। हाँ 3-4 वीडियो बनाई थी, जो पावर टेस्टिंग करी थी स्प्लेंडर बाइक की, एक्टिवा की। तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हो गई ऐसी जो मेरे को वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और उसके पहले मेरा एक चैनल था यूट्यूब चैनल जो 2014 में मैंने बनाया था, लेकिन उस पर पता नहीं था कि यूट्यूब के क्या नियम होते हैं, तो वो डिसेबल हो गया था, पूरा डिलीट हो गया था अकाउंट। और जब मैंने 16 अगस्त को अपना चैनल बनाया था तब मैंने ये सोच के नहीं बनाया था कि मेरे को यूट्यूब पे पैसे मिलेंगे इसलिए बड़ा वीडियो बनाऊंगा। मेरे को बस यूट्यूब से प्यार है, मेरे को वीडियो बनाना अच्छा लगता है, कैमरे के सामने बोलना। बाकी यूट्यूब के पैसों से मेरे को कोई मतलब नहीं था पहले, मैं जानता भी नहीं था कि इससे पहले पैसे आते कि नहीं आते। मैंने पहले भी चैनल बनाया था जब 2014, मेरे को पता ही नहीं था यूट्यूब से पैसे कैसे कमाते हैं। और अभी तक मेरे को मेरा चैनल तो मोनेटाइज हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट मेरा चैनल कब मोनेटाइज हुआ था। और उसके बाद में मेरे एडसेंस के पिन आए, जो गूगल एडसेंस के पिन आते हैं वो घर पे आते हैं अपने। जब मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो गया था तो उसके बाद में मेरे को गूगल एडसेंस की तरफ से एक मेल आया कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। उसके बाद में मेरे को गूगल एडसेंस के पिन आए घर पर, जब वहाँ पे पोस्टमैन देने के लिए आया तब मैं बहुत खुश हुआ था कि मेरे गूगल एडसेंस के पिन आ गए, हुआ था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और मेल भी आ गया था। उसके बाद में अपने को 6 डिजिट के जो एडसेंस के गूगल पिन होते हैं वो अपने को डालने होते हैं एडसेंस अकाउंट के अंदर, जब जाके यूट्यूब अपनी पेमेंट रिलीज करता है। और महीने के साथ लास्ट 24 या 25 तारीख को उसकी सैलरी आती है जो अपने अकाउंट में आ जाते हैं पैसे। अब मैं आपको एक चैनल का एनालिटिक्स बताता हूँ कि उसमें कितने लास्ट महीने में कितनी इनकम हुई है और पूरे अभी तक की कितनी इनकम हुई है। तो ये भजन वाला चैनल है जहाँ पे ये भजन सॉन्ग्स पर अपलोड होते हैं, तो मैं आपको इनकी स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि लास्ट 80 डेज़ में कितने हुए, 28 डेज़ में। तो गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे लास्ट 28 दिन में ये केवल $44 ही हुए हैं। ये भी भजन वाला चैनल है, इनके चैनल पे एवरेज देखो इतने व्यूज़ है और इतने इनके वॉच टाइम आ रखा है। और गाइस ज़्यादा चैनल पे ऐड उन्हीं के आते हैं जिनके टारगेटेड चैनल होते हैं, जैसे कि अगर मेरा मोबाइल रिव्यू का चैनल है तो जो कंपनी होती है मोबाइल कंपनियाँ वो उन्हीं के चैनल पर वो ऐड ज़्यादातर लगवाती है ताकि उनसे उनको ज़्यादा बेनिफिट हो, और जो यूट्यूब वाले वो भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं जिनका टेक चैनल है वगैरह मोबाइल रिव्यू का चैनल है, कंपनी भी टारगेट करके ही वो ऐड चलवाती है उन चैनल पर, तो उनकी रेवेन्यू भी ज़्यादा होती है उससे। अभी मैं आपको मेरे चैनल का एनालिटिक्स दिखाता हूँ, देखो मेरी इनकम कितनी हुई है। तो ये देख रहे हो आप, बिल्कुल भी इनकम नहीं हुई है, $26 हुए हैं अभी तक बिल्कुल, और पूरे लाइफ टाइम के अभी तक हुए केवल $15। तो यूट्यूब पर बहुत कम कमाई होती है, और फेमस होने के बाद में धीरे धीरे जैसे ही आप फेमस होते जाओगे आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी और आप पैसे भी बहुत ज़्यादा कमाओगे। तो अभी तक मेरा कुछ भी इनकम नहीं हुआ है, एक भी बार पेमेंट नहीं आया है, और मेरे चैनल को मोनेटाइज हुए अभी तक 2-3 साल हो गए हैं करीब करीब, लेकिन अभी मैंने वापस कंटिन्यू करा है वीडियो को कंटिन्यू बनाना, हर एक दिन छोड़ के हर रोज़ मैं रोज़ ब्लॉग वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप भी सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को इतना फैलाओ कि आगे तक पहुँच जाए और आपको भी पता चले यूट्यूब कितने व्यूज़ पर कितने डॉलर देता है। और अगर इसमें आपको बता देता हूँ, कम से कम आपके पर वीडियो पे 5-10 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं और आपके कम से कम भी 20-30 हज़ार सब्सक्राइबर है, तब जाके आपकी इनकम बढ़िया से स्टार्ट होगी, बाकी कुछ भी नहीं होगा। बाकी पहले कितने भी सोच लो, और जितने भी लोग बोल रहे हैं मेरे को आपकी इनकम कितनी होती है, मैंने आपको दिखा दिया कितनी होती है कितनी नहीं होती है। तो भाई बस आज के बाद मत पूछना, फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर दिए थे 14 अगस्त 2018 को, पूरे 1 साल बाद में।
और अगर इस मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था 25 अप्रैल 2019 को, हर एक साल बाद में, 2017 को बना था, 2018 में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ और 2019 में जाके अपना चैनल मोनेटाइज हो गया था। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी उठा ही था जस्ट, और बाहर का मौसम देखो, बारिश बारिश हो रही है, तो बहुत तेज बारिश हो रही है, मौसम देखो बिल्कुल भी खतरनाक वाला हो रहा है। अरे तो रात भर बारिश हो रही थी शायद, तो पानी वानी पूरा भरा हुआ है।